पहली चीज तो है कि प्रीरेक्विजिट, प्रीरेक्विजिट ये है कि आपको, अगर आपने लीनियर सिस्टम थ्योरी पढ़ा हो, लीनियर सिस्टम वाला कोर्स अगर नहीं पढ़ा होगा, तो कम से कम आपको स्टेट स्पेस का पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो इस कोर्स को पढ़ने से पहले आई वुड सजेस्ट के जो पिछले सेमेस्टर में लीनियर सिस्टम की जो बुक थी उससे आप स्टेट स्पेस पढ़ लें अगर आपने ये कोर्स नहीं पढ़ा, ठीक है। आपको एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू जैसा लिखा जाता है उसको लिखना। इस नोटेशन से कितने लोग फेमिलियर हैं? किसी के लिए नहीं तो नहीं नोटेशन? हाँ, अगर किसी के लिए नहीं है तो वो उसको फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड रीडिंग करनी पड़ेगी। अदर देन दैट यू शुड बी एबल टू कोप विद इट। अच्छा, आज के लेक्चर में कुछ तो राहिल ने आपको स्टडी मोड का इंट्रोडक्शन दे दिया होगा, और कुछ चीजें मैं फिर नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा रिपीट करवा दूंगा, इटरेट करवा दूंगा। और आज हम सिर्फ ये करेंगे कि कंट्रोल सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, कंट्रोल सिस्टम्स किस काम आता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरा अंडरग्रेड का कोर्स किया हुआ है या लीनियर सिस्टम दिया हुआ, शायद उनके लिए ये रेपिटेशन हो, ठीक है। बट आई बिलीव वंस इन अ व्हाइल रेपिटेशन डजंट हर्ट। साल में एक दो दफा आपको रिफ्रेश हो जाना चाहिए कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है, क्योंकि हम इसके मैथमेटिक्स में इतना आगे चले जाते हैं कि हमें जो एक्चुअल पर्सपेक्टिव है कोर्स का वो इट सॉर्ट ऑफ, वो जो कहते हैं कि लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली बात है कि इट सिंपली गेट्स लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन इन द मैथमेटिक्स अदर। तो आज हम सिर्फ जो हमारे पास टाइम रिमेनिंग है 1 आवर, उसके अंदर हम कंट्रोल सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन देखेंगे कि ये कहाँ अप्लाई होता है और इसके अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व है इसकी स्टडी में, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से हम फिर फॉर्मली स्टार्टिंग मोड कंट्रोल कोर्स इस बुक से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम्स, एप्लीकेशंस क्या हैं इनकी, इम्प्लीमेंटेशन के क्या स्टेप्स होते हैं, और सेलिएंट डिजाइन स्टेप्स क्या हैं, मेन डिजाइन स्टेप्स क्या हैं। और चैप्टर 1 ये हम नहीं करेंगे, ये सिर्फ अंडरग्रेड के लिए ही लिखा हुआ है। बाय द वे कितने लोग पीएचडी स्टूडेंट्स हैं यहाँ? दो, सिर्फ दो, ठीक है। तो बाकी लोग स्टडी बोर्ड क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? कंट्रोल के इस दफा दो कोर्स है, ये आसान है। वो क्या वो मुहावरा है, उजरे गुना बदतर रस गुना। तो तुम्हारे साथ तो अच्छी नहीं हो रही है। अच्छा, तो कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसका, ये खुद से कोई सिस्टम नहीं होता, ये एक सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है। किसी भी बड़े सिस्टम का एक छोटा सा छुपा हुआ पार्ट होता है। काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि उस सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर करें, ठीक है। मैथमेटिक्स की जुबान में हम इसको इस समय कहते हैं कि उस सिस्टम को स्टेबलाइज करें, उसके अंदर स्टेबिलिटी लेके आए, ठीक है, या उसकी परफॉर्मेंस बेहतर करें। जो परफॉर्मेंस हम उस सिस्टम से लेना चाह रहे उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। अच्छा, ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये इस तरह के कंट्रोलर डिजाइन करने की एक स्कीम है। अच्छा, इसमें पहली स्लाइड में आप देखें ये बात कहीं नहीं लिखी कि किस सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। सिस्टम आपके बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, सिस्टम आपके मैथमेटिकल भी हो सकते हैं, सिस्टम आपके इंजीनियरिंग सिस्टम भी हो सकते हैं। इंजीनियरिंग में आपके पास 8-10 तरह के इंजीनियरिंग है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक केमिकल सिस्टम भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम जो है ये बहुत वाइडली रेंजिंग वर्ड है। अब वो कौन सा टूल है, वो कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी टेक्निक है जो सिस्टम को
एज अ सिस्टम कवर करें, ठीक है। वो ये ना देखें कि जी ये केमिकल का सिस्टम है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, या ये क्या कौन सा सिस्टम। उस चीज को हम जो मैथमेटिक्स यूज होता है उसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर, तो हम इसमें जो सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मैथमेटिक्स यूज करते हैं उसको कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अभी पिछले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस तो खैर वो किसी को पता नहीं था वो किस चीज पे है, लेकिन उसमें एक टॉक बड़ी अच्छी थी। उसमें स्पीकर ने बताया था कि मैं तो नहीं कह रही कि आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जो यूएस के एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग है उन्होंने टॉप 11 प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस बताए हैं जो कि इंजीनियरिंग के हैं इस वक्त, ठीक है। यूड बी सरप्राइज वो जब आप पढ़ते हैं। वैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको पहले दो बताता हूँ। पहला है कि आपने सोलर एनर्जी को एफिशिएंट कैसे बनाना है। यू नो इट वेरी वेल कि सोलर एनर्जी की जो टॉप एफिशिएंसी है कितनी है, 30% 40% है। तो द मोमेंट आप इसको 80-90 पे ले जाएंगे तो आप सोलर एनर्जी जो है वो कॉस्ट वाइज अफोर्डेबल हो जाएगी। अब ये क्लासिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑल दो समबडी कैन से कि ये मटेरियल्स का प्रॉब्लम भी है, राइट, क्योंकि सेल्स की आप करवाना चाह रहे हैं, जो सोलर सेल्स हैं उनको बेहतर करना चाह रहे हैं, तो ये मटेरियल का भी प्रॉब्लम है। जो दूसरा था प्रॉब्लम वो मेरे लिए काफी स्ट्रेंज था, वो था कि ह्यूमन ब्रेन की वायरिंग को समझा जाए। हाँ, ह्यूमन ब्रेन की वायरिंग को समझा जाए कि उस किसको किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हनीकॉम में ये ना कि इट्स नॉट अ डायनेमिक थिंग, उसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट, जो पार्टिकल सेगमेंट्स है ना, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, और जो न्यूरॉन्स हैं वो नेटवर्क्स बनाते हैं, ठीक है। वो डायनेमिक नेटवर्क्स होते हैं, वो कभी एक साइड पे होता है, कभी दूसरी साइड पे, कभी तीसरी साइड पे। तो वो एक बड़ा, एक आप कह रहे हैं कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क साइंस। अब ये किस इंजीनियरिंग में आएगी, जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम, तो क्या ये बायो इंजीनियरिंग है? नहीं, इसके अंदर नेटवर्क्स भी आ रही है, इसके अंदर न्यूरॉन्स आ रहे हैं, न्यूरॉन्स आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो वो जो आपके बॉक्सेस है ना कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये बायोलॉजिकल है, ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। तो आपके स्पीकर का हु हैपेंस टू बी द वाइस चांसलर ऑफ लम्स, यू वर सेइंग के हम लोगों ने जो तो मैथ्स और बायोलॉजी स्टूडेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, ये मैथ्स वाले हैं, उनके साथ बड़ी ज्यादती की। अब आपका जो सिस्टम्स हैं, आगे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी इंटरमिक्स होंगी। अब ह्यूमन वायरिंग है ऑफ द ब्रेन, ये कहीं से भी अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी हुई तो आप ब्रेन के जो आप कह रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो बता ही नहीं सकते क्या है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको क्या पता है, लेकिन अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ तो अदर वे अराउंड आप नेटवर्क साइंस पे अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली आपको ना सारी बॉक्सेस के अंदर प्ले नहीं करना चाहिए। तो ये जो सिस्टम है ये भी बॉक्सेस के अंदर आपको प्ले करने से रोक रहा है। आपको कह रहा है कि जो आप थ्योरी बनाए वो सब पे अप्लाई हो, ठीक है। अच्छा, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड थ्योरेटिकल ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसलिए लिखा है कि ये अंडरग्रेड को भी हम ये स्लाइड दिखाते हैं, लेकिन जनरली इंजीनियरिंग में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है। अच्छा, तो व्हाट इज द सिस्टम? डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल्स रिवॉल्व अराउंड सिस्टम्स, ये सिस्टम्स को इम्प्रूव करेगा। सिस्टम्स क्या होते हैं? सिस्टम अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में देखें या मैथमेटिशियंस को देखें, तो वो कहते हैं कि जी आप एक बाउंड्री ड्रॉ करें, उसके अंदर जो चीज़ है वो सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे आगे थोड़ा सा चले जाएं,
हम ये कहते हैं बीइंग इंजीनियर्स के एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, उसके लिए आपने कोई चीज बनाई है, डिवाइस बनाई, दैट इज आवर सिस्टम। ठीक है, मसलन इस कमरे को ठंडा करने के लिए अगर हमने एयर कंडीशनर बनाया तो दैट इज आवर सिस्टम। ठीक है, हाँ ये आप कह सकते हैं कि उस पूरे उसकी इफेक्टिवनेस एनालाइज करने के लिए आप सिस्टम की एक बाउंड्री बनाएंगे। बस आप एयर कंडीशनर से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो इस कमरे से बाहर भी कुछ ठंडा करे। जब मैंने कहा कि इस कमरे से बाहर कुछ ठंडा ना करे वो, इसका मतलब कि मैंने कहा कि ये दीवारें उसकी बाउंड्री होगी। इसके अंदर जो कुछ है उसका थर्मोडायनामिक एनालिसिस कर लें, उसका टेम्परेचर एनालिसिस कर लें, हीट एनालिसिस कर लें, वो आपका सिस्टम है। ठीक है, इंक्लूडिंग कोर्स एयर कंडीशनर। ठीक है, तो इवन इन कमरों में आपको बहुत सारे सिस्टम्स मिल जाएंगे। ह्यूमंस खुद बहुत सारे सब सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, और पावर सप्लाई ऑफ अ पीसी खुद एक नॉन लीनियर कंट्रोल की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। ह्यूमंस आर सॉर्ट ऑफ एक वर्ड यूज करते हैं डॉक्टर्स भी बायोलॉजिस्ट भी, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का रफली मैं एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि आप सब लोग हमारे माशाल्लाह बड़े डाइवर्स बैकग्राउंड से, ठीक है, किसी का भी जेनेटिक कोड दूसरे से नहीं मिलता होगा। ठीक है, और लो ये मैंने कहीं सुना था कि अगर आप 7 ऊपर जाए तो आप किसी से भी आप आपका मतलब रिलेशनशिप मिल सकता है। मतलब अगर मैं अपने 7 का ऊपर जनरेशन में जाऊं और आप अपने 7 जनरेशन में जाएं तो कहीं ना कहीं हम मिलते हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल 7 जनरेशन में काफ़ी जेनेटिक कोड चेंज हो जाता है। तो डाइवर्स इतना ज़्यादा जेनेटिक कोड हमारा डाइवर्स है, लेकिन हम सब 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डॉक्टर को देखना पड़ता है थर्मामीटर लगाने से पहले कि अच्छा जी आप कहाँ से आए हैं, आपके वाले साहब किधर थे, वालदा किधर थी, उसको पता है कि इट हैज टू बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ कम? उसके लिए अगर आप देखें तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स आर मैमल। मैमल कैसे डिफाइन करते हैं? विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, विच कैन कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। बायोलॉजिस्ट उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेगुलेट। ठीक है, रेगुलेट इज अनदर सिनोनिम फॉर कंट्रोल। बॉडी टेम्परेचर ह्यूमंस अपना खुद कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर आपका खुद कंट्रोल होता है। मसलन आप जो ब्लड प्रेशर का मीटर यूज करते हैं, जो सबसे पॉपुलर मीटर आता है वो जापान से आता है, ठीक है, जर्मनी के आते हैं, तो क्या उन पर कहीं लिखा होता है कि ये पाकिस्तान के ह्यूमंस के लिए या एक फलाने मुल्क में यूज हो सकता है, फलाने मुल्क में नहीं हो सकता? ये तो होता है कि वो टेम्परेचर कैलिब्रेशन ऑफ हो जाती है आगे पीछे, लेकिन वो ये नहीं होता कि किस इंसान किस कुछ इंसानों के लिए डिफरेंट है, कुछ के लिए डिफरेंट, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कि ब्लड प्रेशर भी आपका ऑटोमेटिक रेगुलेट होता है। कैन एनी वन टेल कि ब्लड प्रेशर कौन सा ऑर्गन रेगुलेट करता है? मोस्टली किडनीज। ये कुछ और किसने का? हार्ट। हार्ट से ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, हार्ट से ब्लड प्रेशर बनता है, ठीक है, उसका अपर और लोअर। लेकिन जो आप कह रहे हैं उसको रेगुलेट करना कि अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मेंटेन करना या कंट्रोल करना, वो ह्यूमन किडनीज कर रही होती है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो पोस्चर है आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं, और आजकल के रोबोट्स अब जाके वो इतने कैपेबल हुए हैं कि वो स्ट्रेट टू लेग्स पे खड़े हो सके। ठीक है, इसी तरह आपके बैलेंस है, ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल सिस्टम से ही आती हैं, और ये ह्यूमन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जो कि ऑलरेडी बैडेड है, ये पहले से मौजूद है और हम उनको सिर्फ समझ रहे हैं। इसकी एक जो बायोलॉजिकल साइंस की मैं आपको एक, जो सबसे पहले मैंने बायोलॉजी में कंट्रोल्स की एप्लीकेशन पढ़ी थी या देख सुनी थी 2008 में मैंने कोरिया में कॉन्फ्रेंस थी उसमें सुनी थी, वो ये थी कि ये वर्ड कहीं लिखे हैं आप अपने पास सर्कैडियन रिदम।
सर्केडियन क्या होता है ये मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन इसकी बेसिस क्या है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप हर ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी एक का एक बॉडी क्लॉक है और वो 24 आवर्स पे ट्यून है, एग्जैक्टली 24 आवर्स पे, ठीक है? इसकी जो एविडेंस है मुझे, तो आप फ्लाई करें और आप से इसके अगेंस्ट आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे? जैसे आप मॉस्को चले जाते हैं तो जहाँ पे आपने हिस्सा ज़ाया कर दिया, ठीक है, आप यहाँ से चले चले तो सूरज निकला हुआ था, वहाँ गए तो तब भी सूरज निकला हुआ, तो आपका जो बॉडी है वो आपको एग्जैक्टली उसे सोने पे मजबूर करेगी जब पाकिस्तान में रात का वक्त हुआ होगा, एग्जैक्टली उसी वक्त। ये आप कभी करके देखिए, इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग फिनोमिनन। वो एग्जैक्टली 24 आवर्स पे चलती है और वो 24 आवर्स का जो क्लॉक है वो आपके अंदर है, ठीक है? तो साइंटिस्ट बड़े हैरान थे कि ये कैसे होता है। और अगेन वही बात कि आप अफ्रीका से हो, एंटार्क्टिका से, एस्किमो हो, कुछ भी हो, आपका बॉडी क्लॉक क्लॉक 24 आवर्स पे रेगुलेट होता है। हाउ कम? दे फाउंड आउट कि देयर इज सर्टेन थिंग कॉल्ड सर्कैडियन रिदम जो कि ह्यूमन बीइंग ह्यूमन ब्रेन के अंदर कुछ 600, मेरा ख्याल 600 ही थे, सर्केडियन सेल्स होते हैं, ठीक है? वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भेज रहे होते हैं उनका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। वो बेसिकली आप कह लें कि हिस्सा का एक स्क्वायर वेव बना रहे होते हैं, ठीक है? और ये जो फ्रिक्वेंसी है ये 24 आवर्स होती है। अब कहने को ये बहुत सिंपल सी ट्रिवियल सी बात है, ठीक है, लेकिन आप मुझे, अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे एक बड़ा प्रिसाइज 24 आवर्स का क्लॉक बना के दिखाएं, इज इट ए ट्रिवियल प्रॉब्लम? इट्स नॉट। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो फिर वो क्लॉक ड्रिफ्ट करेगा, आप कहेंगे ये मटेरियल्स का इशू है, ये टेम्परेचर का इशू है, ये किसी और चीज़ का इशू है, तो उसको आप फिर कॉम्पनसेट करेंगे, तो ये फिर इस चीज़ को स्टेबलाइज रखना इतना आसान नहीं होता। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये जो सेल्स हैं, ये जो रिदम बनाते हैं, ये सिंपल इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये आपके सेल्स हैं, ठीक है, या एक डिले है, मुझे याद नहीं कितना डिले है, और फिर फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, सिंपल, दैट्स इट। या आपके वो 600 सेल्स हैं, ये एक डिले के साथ अपना आउटपुट को फीडबैक करते हैं, उन्हीं सेल्स।